हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं रसगुल्ले की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं। तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पतीले में 3 कप पानी डालेंगे। उसके बाद हमने 2 कप चीनी ली है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और हमने इसमें 1 चम्मच इलायची का पाउडर भी मिक्स करना है। हमने चाशनी को अच्छे से अब मिक्स करना है। अब हम चीनी को अच्छे से घुलने देंगे। तब तक हमने इसको हिलाते रहना है ताकि जो चीनी है ये नीचे ना लगे। हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। हमने कढ़ाई गर्म होने को रख दी है। अब हम इसमें 2 कप सूजी डालते हैं। ये हमने 2 कप सूजी ली है। हमने इसमें ऐड करना है 4 कप दूध और इसको अच्छे से मिलाना है। इसमें हमने 1 चम्मच चीनी भी ऐड करनी है। अब जो हमारी ये सूजी है ये थोड़ी गाढ़ी हो रही है, हमने इसी तरह इसको चलाते रहना है। अब हमने इसमें 1 से 2 चम्मच घी ऐड करना है। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने सूजी बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, सख्त नहीं करनी है। हमने इसको नरम नरम ही रखना है ताकि जो हमारे रसगुल्ले हैं वो फट ना जाए। आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो सूजी है वो जम रही है। अब हमारी जो सूजी है वो ऑलमोस्ट हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करके इसको नीचे उतार देंगे और एक प्लेट में निकाल देंगे। अब हमने इसको आटे की तरह गूंदना है। बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं करना है, थोड़ा गरम गरम ही रखना है ताकि हमारे जो रसगुल्ले हैं वो अच्छे बने। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। हमने थोड़ा सा पकड़ना है, फिर हाथ पे ऐसे ऐसे देना है, गोल अच्छे से करना है। ये हो गया हमारा तैयार। ये हमने पेड़े बनाए, ये हमारे पूरे हो गए बना के। अब हमने इनको डालना है चाशनी में, जो कि हमने पहले से ही तैयार करके रखी है। अब हम ये रसगुल्ले चाशनी में डाल देते हैं। अब हमने इनको लो फ्लेम पर पकाना है। हमने इनको 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम तक पकाना है। अब आप देख सकते हैं हमारे जो रसगुल्ले हैं बिल्कुल रेडी हैं। अब हम अपनी गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब जो हमारे रसगुल्ले हैं ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें।